हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड यस, मैं लेट हो गई हूँ एंड काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। COVID-19 के जो सिम्टम थे वो मेरे अंदर आ गए थे, बट नाउ आई एम टोटली परफेक्ट। तो आज ये मैंने जो मेकअप को क्रिएट किया है वो ईद के लिए। तो बहुत ही सिंपल से प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं जिनको हर कोई ले सकता है। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये हिमालया का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जितनी देर में हम मेकअप करेंगे तो हमारे लिप्स जो हैं वो अच्छे से मॉइस्चर हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये डाबर गुलाबरी रोज़ वाटर। जैसे कि हम टोनर यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर, तो जो लोग टोनर या ये सब चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट मेकअप है। तो ये यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कॉटन बॉल ले रही हूँ एंड बस इसमें रोज़ वाटर को लेना है हमें और बस अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इससे आपके चेहरे को ठंडक भी मिलेगी और इसको आप आँखों पर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आपके जो पोर्स वगैरह हैं उनको भी ये अच्छे से ठंडक देगा। इसको अच्छे से ड्राई हो जाने देंगे। तो हमारा रोज़ वाटर जो है अच्छे से सेट हो गया है। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं प्राइमर के लिए एलोवेरा जेल। तो ये इस बार मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इससे भी हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहेगी एंड ऑल्सो ये स्किन को ठंडक देगा। तो आजकल समर्स में क्या होता है कि टैनिंग वगैरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है सनबर्न, तो इसलिए एलोवेरा जेल तो डेली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर एलोवेरा जेल डन एंड देन मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ इनिस्फ्री का सनस्क्रीन है। आपके पास जो भी सनस्क्रीन है आप वो यूज कर सकते हैं और अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि समर्स का टाइम है तो आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए। और गाइस, ये इनिस्फ्री के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। किसी दिन मैं इनका डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट ये प्रोडक्ट थोड़े से महंगे आ जाते हैं। इसको हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आज मैंने यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं यूज़ किया है क्योंकि समर्स का टाइम है तो मॉइस्चराइजर की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है एंड हमने जो एलोवेरा जेल यूज़ किया है वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड करता है। देख सकते हैं कि ये जो इनिस्फ्री का सनस्क्रीन है कितना अच्छा है, कितनी अच्छी शाइन आई है मेरे फेस में। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये हिमालया की क्रीम ले रही हूँ जो कि आराम से आपके 100 रुपये में आ जाती है, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो ये हमारा मेकअप जो है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा एंड आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको तब इसका यकीन होगा कि ये वाकई में कितना अफोर्डेबल एंड कितना अच्छा मेकअप है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ये फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हमें लेना है। पूरे फेस पर डॉट 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 करके आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं एंड हाथ से भी कर सकते हैं। आज का जो मेकअप है वो मैं पूरा हैंड ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर व्हाइट टोन पाउडर का कोट कर रही हूँ जिससे कि हमारा मेकअप अच्छे से सेट हो जाएगा।
द डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी फाउंडेशन, कोई भी कंसीलर, कोई भी फेस पाउडर यूज़ नहीं किया है, नॉर्मल पाउडर से ही मैंने मेकअप किया हुआ है। एंड यू कैन सी कि कितना फ़र्क है, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है अगर आप इस तरीके से मेकअप करते हैं तो। अब हम अपना आईज़ को थोड़ा सा करेंगे। तो इस बार की जो ईद है वो बहुत ज़्यादा समर का टाइम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आप सुंदर और अच्छे दिखें तो मैं यहाँ पर ये आई शैडो पैलेट लिया है, एंड इसमें से मैं अपना न्यू शेड है मैंने लिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं वो अप्लाई करूँगी। बाद मेरे जो आउटफिट का कलर है, तो मैंने आउटफिट बिल्कुल सिंपल ही लिया है। इसके बाद मैं इसी आउटफिट का कलर यूज़ कर रही हूँ। आउटफिट पहने उस हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर इनर पार्ट के लिए गोल्डन कलर ले रही हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप सिंपल आउटफिट ही पहने, आप जैसा चाहे वैसा पहन सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एक बार इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बस ब्रो बोन के नीचे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अप्लाई करेंगे काजल। काजल लगा लिया एंड अभी थोड़ा सा मस्कारा यूज कर लेते हैं, क्योंकि लैसेस मैंने यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर लैसेस भी लगा सकते हैं। डिफरेंट दिखाने के लिए ये स्विस ब्यूटी का ग्रीन आईलाइनर यूज कर रही हूँ। यू कैन सी आप अपनी चॉइस का कोई भी लाइनर यूज कर सकते हैं। आईज आर लुकिंग सो प्रिटी। बस थोड़ा सा आईब्रोज को भी फिल कर लेते हैं। तो आप अपने आईब्रोज के कलर के हिसाब से जो भी कलर आप चाहें उनसे आप अपने आईब्रोज को लेके आपको फिल करें। तो आई मेकअप डन हो गया है एंड हमने जो ब्राउन कलर यूज किया था वही हम थोड़ा थोड़ा अपने आईज के, सॉरी गोल्डन कलर जो था वही मैं आईज के नीचे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ।
अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो चुके हैं, तो एक्स्ट्रा जो उनका ऑयल है वो निकाल देते हैं। देन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे की न्यू लिपस्टिक है जो कि इंग्लिश सैटिन, बहुत ही प्रेटी कलर है ये, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अभी मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझको थोड़ा सा मैट ज़्यादा पसंद है, मैं मैट लिपस्टिक लेती हूँ फिर भी मैं उसको और भी ज़्यादा मैट कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लिया है, इसको मैं कोट कर लूँगी। कि पाउडर कोट करने के बाद जो लिपस्टिक का कलर है वो और भी प्रिटी आता है। तो यहाँ पर फुल फेस मेकअप हो गया है डन। अभी थोड़ा सा हेयर्स को भी सेट कर लेते हैं, इतना मेकअप किया है तो हेयर्स भी अच्छे दिखने चाहिए। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से जेंटली कॉम्ब योर हेयर्स एंड आगे की तरफ थोड़ा सा कर्ल करेंगे। अच्छे से हमें फिक्स कर लेना है, तो हेयर एक्सेसरीज को अच्छे से फिक्स करने के बाद यहाँ से जो हमारे फ्रंट के थोड़े से हेयर्स हैं इनको इस तरीके से हम उठाएंगे और इनको बैक साइड में ट्विस्ट करके और उसी एक्सेसरीज के ऊपर दो टैप में से सिक्योर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्रेटी सा ये हेयर स्टाइल है। सेम ऑन दी अदर साइड थोड़े से स्ट्रैंड निकाल लें ताकि ये जो हेयर स्टाइल है वो और भी प्रेटी दिखे। तो बस बिल्कुल हल्के हाथों से हमें निकालना है लाइक दिस। दिस इज लुकिंग सो नाइस। एंड अभी बस वेयर करते हैं इयर रिंग्स, कोई भी आपके फेवरेट इयर रिंग्स जो भी आप पहनना चाहें। सो यहाँ पर हो गया है मेरा कंप्लीट मेकअप। मैंने आउटफिट के ही मैचिंग की रिस्ट वॉच वेयर की हुई है एंड ये कोई भी सब ब्रेसलेट। तो एंड ये जो आउटफिट है गाइस ये लाइफ स्टाइल स्टोर से है। तो आई होप गाइस कि आपको मेरा ये वीडियो एंड ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।